हाय गाइज, वेलकम टू ऑल एडिट यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो गाइज, आज से डेली वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो गाइज, आज का जो हमारा फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है वो कुछ इस टाइप का होने वाला है, ठीक है। तो गाइज, चैनल पर जो जो भाई नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल में प्रेस कर देना। तो गाइज, विदाउट टाइम वेस्ट ना किए चलिए चलते हैं इंट्रो के साथ। सो गाइज, सबसे पहले पिक्सार्ट को ओपन कर लेना है मोबाइल के अंदर, उसके बाद इस बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है जो कि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जाएंगे ऐड फोटो का आइकन के अंदर एंड जो दोनों मॉडल का पीएनजी है हम उसको ऐड कर लेंगे, एक बॉयज एक गर्ल्स, ठीक है। तो उसको पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद गाइज ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पर अच्छी तरीके से बैकग्राउंड के साथ मैचिंग करके बिठाएंगे, ठीक है। यही मेन काम होता है फोटो एडिटिंग के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से बिठा लेता हूँ। ठीक है, अच्छी तरीके से दोनों को बिठाना है। सो गाइज, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग देखने में बोर हो जाओगे, ठीक है। तो गाइज, देख सकते हो मैंने कर लिया। उसके बाद गाइज साइड में एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे दोबारा ऐड फोटो आइकन के अंदर एंड यहाँ पर एक लाभ पीएनजी को ऐड कर लेंगे एंड ऐड करने के बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर पोजीशन फिक्स करके मैं बिठा लूँगा, ठीक है, बैकग्राउंड के साथ। एंड गाइज, लेफ्ट साइड में ऊपर देख सकते हो एरो, यहाँ पर क्लिक करके कर लूँगा सेव एंड जाएंगे दोबारा ऐड फोटो का आइकन के अंदर एंड यहाँ पर एक टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेंगे एंड इसको भी अच्छी तरीके से ऊपर बिठा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड लेफ्ट साइड में ऊपर क्लिक करके कर लेंगे सेव एंड जाएंगे दोबारा ऐड फोटो का आइकन के अंदर एंड यहाँ पर एक गाइज शैडो पीएनजी को ऐड कर लेंगे, ये देख सकते हो, ठीक है। एंड ऐड करने के बाद गाइज क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे कुछ स्टेप से एंड जाएंगे ब्लेडिंग में एंड ब्लेडिंग में जाने के बाद गाइज यहाँ पर कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। एंड नीचे अच्छी तरीके से यहाँ पर बिठा लेंगे एंड बिठाने के बाद गाइज क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ऊपर देख सकते हो यारो, यहाँ पर क्लिक करके कर लेंगे सेव, ठीक है। एंड जाएंगे दोबारा ऐड फोटो का आइकन के अंदर एंड यहाँ पर लाइट शैडो पीएनजी को ऐड कर लेंगे एंड इसको भी फुल स्क्रीन कर लेंगे बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। उसके बाद गाइज जाएंगे दोबारा ब्लेडिंग में एंड यहाँ पर कर लेंगे स्क्रीन, ठीक है। सो गाइज, देख सकते हो, ठीक है। एंड लेफ्ट साइड में ऊपर क्लिक करके कर लेंगे सेव। तो हमारा पिक्सार्ट के अंदर फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो इस फोटो को फुल एचडी सेव करने के लिए जाएंगे ड्रॉ टूल के अंदर एंड लेफ्ट साइड में ऊपर देख सकते हो थ्री डॉट, इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके सेव इमेज कर लेंगे, ठीक है। तो इस फोटो को थोड़ा सा कलर कलेक्शन करने के लिए जाएंगे लाइट रूम के अंदर। तो गाइज चलिए चलते हैं लाइट रूम के अंदर। सो गाइज, सबसे पहले लाइट रूम को ओपन कर लेना है मोबाइल के अंदर, उसके बाद गाइज नीचे देख सकते हो राइट साइड में प्लस ऐड फोटो का जो आइकॉन है यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज जिस फोटो को मैं पिक्सार्ट से एडिट किया था उस फोटो यहाँ पर रहेगा, तो इसको मैं ऐड कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद गाइज क्या करेंगे, राइट साइड में नीचे देख सकते हो ऐड फोटो का आइकॉन है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड ऊपर ऑल फोटो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे एंड देख सकते हो गाइज फोटो ऐड हो चुका है यहाँ पर। तो फोटो के ऊपर क्लिक करके फोटो को कर लेंगे ओपन एंड ओपन करने के बाद सबसे पहले जाएंगे लाइट वाला ऑप्शन के अंदर, लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, एक्सपोजर को इनक्रीज कर लेंगे 20% एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है, 16%, ठीक है। उसके बाद गाइज हाईलाइट को यहाँ पर डिक्रीज कर लेंगे 30% एंड शेडो को इंक्रीज कर लेंगे 12% एंड वाइट को गाइज यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीज कर लेंगे 14% एंड ब्लैक को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज नीचे आ जाएंगे कलर वाला ऑप्शन के अंदर एंड यहाँ पर टेम्परेचर को माइनस कर लेंगे 4% एंड टेन को इंक्रीज कर लेंगे 2%, ठीक है।
एंड बिगनर रेंज को यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे 12%। एंड ऊपर राइट साइड में देख सकते हो मिक्स टूल, यहाँ पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर आ जाने के बाद क्या करेंगे गाइज, सबसे पहले रेड वाला कलर को चूज कर लेंगे। एंड यहाँ पर ह्यू को माइनस कर लेंगे एंड सैचुरेशन को इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज आ जाएंगे ऑरेंज कलर के अंदर एंड यहाँ पर माइनस कर लेंगे गाइज, सैचुरेशन को माइनस कर लेंगे 26% एंड लुमिनेंस को इंक्रीज कर लेंगे 40%, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर येलो कलर के अंदर एंड यहाँ पर सैचुरेशन को फुल माइनस कर देंगे एंड यहाँ पर ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर ग्रीन कलर के अंदर एंड यहाँ पर भी सैचुरेशन को फुल माइनस कर लेंगे एंड ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, ठीक है। एंड लुमिनेंस को भी थोड़ा सा माइनस कर लेंगे। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर सीएन कलर के अंदर एंड यहाँ पर भी सैचुरेशन को फुल माइनस कर लेंगे एंड लुमिनेंस को थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो जो गर्ल्स का फोटो है तो यहाँ पर देख सकते हो बॉयज़ के फोटो से मैचिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मैचिंग करने के लिए क्या करूँगा, सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा, ठीक है, कुछ इतना, एंड ह्यू को फुल इंक्रीज कर लूँगा। तो गाइस देख सकते हो ये पूरी तरीके से मैचिंग हो चुका है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर लुमिनेंस को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर पर्पल कलर के अंदर एंड यहाँ पर गाइज क्या करेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे एंड लुमिनेंस को भी थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे, ठीक है। एंड आ जाएंगे पिंक कलर के अंदर एंड यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सबको इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर देख सकते हो डन का बटन है तो यहाँ पर क्लिक करके कर लूँगा डन। एंड डन करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पर नीचे इफेक्ट वाला ऑप्शन के अंदर एंड यहाँ पर गाइज क्या करेंगे, टेक्सचर को माइनस कर लेंगे 2%, 4%, ठीक है। उसके बाद क्लैरिटी को इंक्रीज कर लेंगे 6% एंड डिजाइन को यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे 2%, बिगनेटेज को यहाँ पर माइनस कर लेंगे 6%, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे नीचे डिटेल वाला ऑप्शन के अंदर एंड यहाँ पर शार्पनिंग को इंक्रीज कर लेंगे 8% एंड मास्किंग को इंक्रीज कर लेंगे 7%, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पर नॉइज़ रिडक्शन को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज देख सकते हो यहाँ पर बिफोर वाला कैसा था सबसे पहले एंड लाइट रूम पर एडिटिंग करने के बाद कैसा बन चुका है, ठीक है। तो इस फोटो को फुल एचडी सेव करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर शेयर वाला ऑप्शन के अंदर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेंगे तो फुल एचडी में फोटो हमारा मोबाइल में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको ज़्यादा से वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और गाइज चैनल पर जो भाई नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।